यहाँ पर मैं 3 साल पहले आया था और मैंने इस ट्री को कैप्चर किया था। तो एक्चुअली इनको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, तो ये दीवार से काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे यहाँ से भी। और इस बार बैठना मत, बैठना मत अरसलान, पानी है नीचे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। इशू इशू गिर जाओगी इशू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इरफान और ये हमारा व्लॉग नंबर 17। तो यहाँ पर मैं अपने गोडाउन पे आया हुआ हूँ और आने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का क्लाइमेट बन चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बारिश का माहौल बन गया है और यहाँ पर बिजली भी कड़क रही है और बारिश की बूंदें मैं फील कर रहा हूँ अपने ऊपर। तो किसी भी वक्त यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस टावर के पास से। आप बैकग्राउंड में देखो, जितने भी क्लाउड्स है वो कितने ज़्यादा काले हो गए हैं और वो पहाड़ी तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, तो जो पहाड़ी है वो बिल्कुल गायब हो गई है। तो लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से बारिश होने वाली है। और जब भी बारिश होने वाली होती है, हम प्लांट्स या ट्रीज़ को देखते हैं तो बिल्कुल डार्क कलर के हो जाते हैं। उनको देख के हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बारिश होगी। और इस पहाड़ी को भी देखते हैं इस साइड, तो यहाँ भी बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं। और ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो ये वाली जो पहाड़ी है ना, ये मेरी फेवरेट पहाड़ी है। इस पे जो लाइट के शेड्स आते हैं, थोड़ी जब हल्की धूप आती है तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पर मैं 3 साल पहले आया था और मैंने इस ट्री को कैप्चर किया था। तो ये उस टाइम पे बिल्कुल सूखा था, एक भी पत्ता नहीं था। तो मुझे लगता था कि ये डेड ट्री के वुड्स हैं जो कि सिर्फ खड़े हुए हैं, लेकिन अब इस साल जब मैं आया हूँ तो ये काफ़ी हरे भरे हो गए हैं और देख के काफ़ी अच्छा लगा है कि ये ट्री जिंदा है। तो मैं अक्सर उस छोटी पहाड़ी के पीछे बड़ी पहाड़ियाँ होती है उसके वीडियोस शूट करता हूँ और इस चैनल के शॉर्ट्स पर डालते रहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो पहाड़ी बिल्कुल गायब हो गई है और एक हल्की सी आउटलाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है वहाँ काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर तो मौसम ठीक ठाक चल रहा है, काले बादल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पहाड़ी लग रही है ये, लेकिन वहाँ पर जो सीन है वो पूरा अभी बादलों में छुप चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चला है मेरे घर जाने का और अब घर जाने के टाइम पर ये क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो या तो मैं थोड़ी देर वेट करके यहाँ पर जाऊँगा जब थोड़ा क्लाइमेट साफ़ हो जाएगा, या फिर मुझे अभी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़ोर से बारिश आई तो हमें जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। अभी टाइम है मेरे घर जाने का और ये एक ही बर्ड उड़ के गया यहाँ पर, तो उसे भी पता है बारिश होने वाली है और वो बहुत जल्दी उड़ के चला गया सामने से। तो फ्रेंड्स, जब मैं गोडाउन पर था काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी थी वहाँ पर और मुझे तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ा, तब जाकर भी बारिश इतनी ज़्यादा मतलब रुकी नहीं थी, फिर भी मैं वहाँ से निकल गया। तो अभी शाम का टाइम है और मैं घर पे आ गया हूँ टेरेस पे और बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी है। और जैसे ही बारिश रुकी हम लोगों ने बकरों को खोल लिया है, तो अभी इनका फीडिंग टाइम है, खाना वाना खा रहे हैं। और इस बार यहाँ पर मस्ती कर रही है इशू। आओ इशू, ने क्या ड्रेस पहना है इशू? जीन्स का है, जीन्स नहीं है, जीन्स। इशू है, कौन सा ड्रेस है? इस बार यहाँ पे बैठी है, रयान की कॉपी कर रही है और अरसलान को भी बोल रही है ऐसे ही बैठ जा। इस बार बैठना मत, बैठना मत अरसलान, पानी है नीचे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। और ये काफी 2-3 दिन से पानी पी नहीं रहा था, इसके लिए थोड़ा सा ये इतना एनर्जेटिक नहीं लग रहा था, लेकिन अभी इसने थोड़ा पानी पिया है और इसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद सुल्तान भी अभी थोड़ा पहले से ठीक लग रहा है।
तो ये बारिश में चलते रहता है, और पठान तो अपनी मस्ती में रहता ही है, किसी को भी मार देता है, किसी का भी खाना छीन लेता है। अजवा पैर नहीं रखो अंदर, ये अजवा हमेशा ये करती है, खाने में पैर रख देती है। ये भी दाना वाना खा रहे हैं, और बारिश की वजह से ये भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं इनको यहाँ पर ढक के रखता हूँ। तो यहाँ पे ये लोग दीवार से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इनको यहाँ पर खोलने में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि ये दीवार से जंप ना मार जाए, क्योंकि अभी इनके अभी पूरे पर नहीं आए हैं तो ये फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इनको यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट, एक्चुअली इनको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो ये दीवार से काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे, यहाँ से भी और इस तरफ भी। तो जब तक इनके पर आएंगे नहीं, ये सही सलामत यहाँ पर घूमते रहेंगे, और एक बार इनके पर आ जाएंगे तो फिर ही आराम से फ्लाई कर पाएंगे। भागने का नहीं बेटा, नीचे पानी है, स्लिप हो जाओगी, गिर जाओगी। भागने का नहीं, नीचे पानी है, देखो देखो नीचे पानी है, देखो फ्लोर पे। ईशु भागना नहीं, भागना नहीं, नीचे पानी है, गिर जाओगी, है ना। खेलो खेलो, तुम लोग खेलो यहाँ पे, जा रयान तू भी जाके खेल, मैं देख रहा हूँ ये लोग को। तो अभी सारे बच्चे उस तरफ चले गए, तो इन बकरों को भी वहीं पर जाना है। लेकिन अगर ये लोग मस्ती में लग जाएंगे तो फिर खाना वाना खाएंगे नहीं। अभी भी सो रहा था तू, हम लोग यहाँ पर व्लॉग शूट कर रहे हैं। और ये आ गया आयान, और आयान अभी सो गया था तो उसको नींद से उठाकर बुलाए हैं। इस बार हाय करो, हाय। और तुम लोग हाय करो, इस बार गई माँ के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन है, तो डर लगता है पानी की वजह से वो स्लिप ना हो जाए। और अभी ये तीनों वेट कर रहे हैं इनका खाना कब पूरा होगा, और उसके बाद कब खेलेंगे इनके साथ। इन लोगों ने अपना पानी पीकर ख़त्म कर दिया है, और अब आयान आ गया है सुल्तान के साथ खेलने के लिए। इशू उधर मत जाओ, इशू उधर मत जाओ, स्लिप हो जाओगी इशू। आयान उसका गला लूज कर, हाँ छोड़ दे, वो पानी पी रहा है। ये लोग को शायद और पानी लाके देना पड़ेगा। और ये अरसलान का बेस्ट फ्रेंड है पठान, ये इसी के साथ घूमते रहता है। और आयान का बेस्ट फ्रेंड है सुल्तान, ये आयान के साथ घूमता है, और पठान अरसलान के साथ घूमता है। ये भागो मत, इस बार भागना नहीं, गिर जाओगी। और ये ऊपर ईगल्स उड़ रहे हैं, इस बार भागने का नहीं, भागना मत बेटा। इशू गिर जाओगी, इशू फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया इस व्लॉग को एंड करने का। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।